हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जीपीएस ट्यूटोरियल सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक वेनमस स्नेक और इनके पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स क्या क्या ग्लैंड है सो विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस वीडियो सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी इज वेनम वेनम ऑफ ऑफ स्नेक स्नेक है क्या वेनम इज अ काइंड ऑफ सलाइवा जिसके दो फंक्शन होते हैं इट इज अ काइंड ऑफ हाईलीवॉल्व सलाइवा

जो ब्लड को इफेक्ट करेगा अब जो कोबरा का वेनम होगा अफेक्ट द नर्व एंड वाइपर स्नेक का वेनम होगा वो इफेक्ट करेगा ब्लड को ठीक है अब जो स्नेक वेनम है ये क्लियर ट्रांसपेरेंट पेल येलो फ्लूड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सो so, पी कितना है वेनम का किस स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा ठीक है जैसे रूसेल्स स्वाइपर में पी एच फाइव पॉइंट एट है और कोबरा वेनम का बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है फॉर इंजेंट राइबोन्यूक्लियस डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेस एल्कलाइन फोस्फेट ये सब एंजाइम्स वेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो स्नेक वेनम होता है दिस इज जनरली टेस्टलेस बट जो कोबरा का वेनम होता है उसका टेस्ट कैसा होता है बीटर थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है नेक्स्ट क्या है जो वेनम है सोल्यूबल होता है वॉटर में एंड ग्लिसरीन में भी और एसिडिक होता है इन रिएक्शन अब हम वेनम को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमेनोफोर फोर थ्री और एल्कोहल की हेल्प से <laughs> वैनम के अंदर कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फर कॉपर तो ये मेटल्स प्रेजेंट होंगी और इसके अंदर एक एक्टिव नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी होंगे जिसके अंदर टू और थ्री पेप्टाइड्स होंगे जो वैनम है गुड डाइजेस्टिव एंजाइम है एंड की इजिली भी स्वेलोड अगर बकल कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी नहीं है सो so, वेनम के बारे में हमने स्टडी किया नाउ हम स्टडी करेंगे पॉइजन अपेटस कौन कौन से होते हैं स्नेक के अंदर पॉइजन ग्लैंड होंगे पॉइजन प्रेजेंट होंगी और फैंक्स प्रेजेंट होंगे एंड मसल्स फैंक्स क्या है जो स्नेक के पॉइनस टीथ होते हैं हम उनको फैंक्स बोलते हैं सो so, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉइजन ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड क्या है पॉइजन ग्लैंड आर सिचुएटेड वन ऑन द ईदर साइड ऑफ अपर जो अपर जो की साइड दोनों साइड पे सिचुएटेड होंगे और दे आर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड क्या है पैरोटिड ग्लैंड की मॉडिफिकेशन नाजा नाजा स्पीसीज में इनकी शेप एलमंड जैसी होती है और वाइपर्स में लार्ज और ट्यूबुलर शेप होते हैं सो नेक्स्ट शेप में वेरी इन डिफरेंट जेनरा हर एक जेनरा में शेप अलग अलग हो सकती है ठीक है और जो पॉइजन ग्लैंड है दे रिवील ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड अगर आपको ये notes का PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सो so, आप यहाँ से अभी जल्दी से वीडियो देख सकते हैं एंड देन यू कैन रिवाइज योर नोट्स नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट पॉइजन पॉइजन डक्ट्स क्या है द ग्लैंड इज ग्लैंड की एंटीरियर एंड पे पॉइजन डक प्रेजेंट होंगी ठीक है डक पास करेंगी अपर जो से और कॉइल करेंगी कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द फैंग एंड दे ओपन एट देश पे है वहां पे पॉइजन डक ओपन होती है नेक्स्ट इज द डुअली ओपन इन अ पॉकेट ऑफ म्यूकस शीट दैट जो फैंग्स होते हैं पता नहीं आई एम अनबल टू राइट फैंक्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल फैंक्स है फैंक्स के बेस पे क्या होंगे म्यूकस शीत प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पे हमारे इस फैंक्स पे डक ओपन होती है ओके सो so, कोबरा के अंदर जो पॉइसन डक्ट है वो कौन सी शेप की है एल शेप की ठीक है तो उसके बाद हम फेंस के बारे में पढ़ेंगे फैंक्स क्या है maxillary teeth are modified and act as poisonous teeth jo fangs hai wo conical hote hain curved honge aur sharply pointed honge to fangs ke different different types humne padhne hain aur इनकी जो फैंक्स के डिफरेंट टाइप्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं इनके स्ट्रक्चर पे इनकी शेप पे ठीक है नेक्स्ट इंस्पिटिंग cobra, कोबरा के अंदर इंस्पिटिंग cobra

जो होते होते हैं हैं वो स्मॉल और नॉन मूवेबल होते हैं दे आर सिचुएटेड एट द फ्रंट ऑफ बोन आप साइड बाय साइड इनका डिफरेंस देखते हैं ये तो स्मॉल हो गए हमारे पास ठीक है और नॉन मूवेबल हो गए जो सोलेनोगा ये लार्ज होते हैं लॉन्ग होते हैं और दे आर मूवेबल और ये वर्टिकल मूवमेंट शो करते हैं ठीक है अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटेरोग्लाइफा प्रेजेंट है मैक्सिलरी बोन के फ्रंट पे बट सोलेनोग्लाइफा कहा प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ मैक्सिलरी बोन सिचुएटेड एट द एंड ऑफ मैक्सिलरी बोन तो प्रोटेरोग्लाइफा की एग्जाम्पल क्या है कोबरा ठीक है सोलेनोग्लाइफा की क्या एग्जाम्पल है पिट वाइपर्स एंड ट्रू वाइपर्स सो हमने पढ़ लिया सोलेनोग्लाइफा किसको बोलेंगे प्रोटेरोग्लाइफा किसको बोलेंगे नेक्स्ट इज ऑफिस्टोग्लाइफाइफा क्या है? ओपन द पोस्टीरियर सर्फेस ठीक है posterior side of bone में ये present होंगे. Next, are either one or two in number. एक या दो नंबर में होंगे मतलब स्मॉल नंबर में होंगे अब एग्जाम्पल वाइन स्नेक फ्लाइंग स्नेक एगिटिंग स्नेक तो ये वाले एग्जाम्पल्स आते हैं इस कैटेगरी में द बाइट ऑफ अफिस्टोग्लिफ कि स के लिए इतना हार्मफुल नहीं होती है जितनी की लेथल होती है लाइफ uh, डेंजरस कह सकते हैं हम लिजॉर्ट बर्ड्स और लिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है और स्नेक्स की मसल्स के बारे में ठीक है पॉइजन ग्लैंड इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय लिगमेंट्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम मेगलरी लैक्रीमल जंक्शन टू क्वेड्रेट, जो लिगामेंट होते हैं वो फैन शेप्ड होते हैं ठीक है की साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एसोसिएटेड मसल्स आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टाइगेस्ट्रिक मसल्स प्रेजेंट होंगी एसोसिएटेड मैं हाईलाइट करती हूँ कौन कौन सी मसल्स है ओके एसोसिएटेड मसल्स टाइगेस्ट्रिक मसल्स प्रोट्रेक्टर टेरिगोइड मसल ये क्या करते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं दे हेल्प इन बाइटिंग मैकेनिज्म ओके फैनशेप टेम्पोरल मसल अब जो फैनशेप टेम्पोरल मसल है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्ट फ्रंटल एंड पेरिएटल रीजिज मोस्ट पार्ट ऑफ ग्लैंड का मोस्ट पार्ट कवर करेगी ओके सडन कॉन्ट्रेक्शन हेल्प करती हैिजम नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डाइगेस्ट्रिक मसल ये कौन सी होती है जो स्क्वेमोसल एंड क्वेट्रेड जंक्शन से अराइज करेंगी ठीक है और लोअर्जो के साथ अटैच होंगी इनकी कॉन्ट्रेक्शन हेल्प करती है स्नेक का माउथ ओपन करने में किसमें हेल्प करती है स्नेक का माउथ हेल्प इन ओपनिंग द माउथ बाय डिप्रेसिंग द लोअर जो फाइन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कौन सी मसल्स स्नेक का माउथ ओपन करने में हेल्प करती है तो वो कौन सी है डाइगेस्ट्रिक मसल्स नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रोटेक्टर टेरोगोइड मसल और तो ये कहा से अराइज होती है इंटीरियर पार्ट ऑफ बेसल और रीज़न से अराइज होती है ठीक है इट अजिस्ट इन पुलिंग द टेरिगोइड फॉरवर्ड रिजल्टिंग इन पुशिंग द एक्टोटेगोइड विच रोटेट द मैग्लरी एंड इरेक्ट द फेंस सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये फेंक की इरेक्शन में हेल्प करती है नेक्स्ट इज एंटीरियर टेम्पोरल टेम्पोरलिस मसल्स तो ये क्या करते हैं क्लोजिंग मसल है माउथ की सबसे पहले कौन सी मसल है नाउ इट कम्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइव मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं सो लेट्स डिस्कस अब जो वेनेमस स्नेक्स होते हैं इनका बॉडी कलर कैसा होता है ब्राइट होता है नॉन वेनेमस का कैसा होता है नॉट सो ब्राइट ठीक है वेनेमस स्नेक्स की नेक क्या है कंस्ट्रिक्टेड होगी नॉन वेनेमस की अनकंस्ट्रिक्टेड होगी वेनमस स्नेक का हेड लॉन्ग होगा ट्रेंगुलर होगा वाइड होगा बिकॉज Of presence of gland. But जो non -venomous होंगे उनमें gland absent होंगे. Head क्या होगा हुड प्रेजेंट होगी इसमें और उसमें क्या होगी हुड एबसेंट होगी टेल एब्रप्टली टेपरिंग होगी और उसमें टेल कैसी होगी ग्रेजुअली टेपरिंग होगी ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हेड जो है शील्ड वेरी लार्ज और उसमें हेड क्या है शील्ड स्मॉल इसमें जो वेनमस स्नेक्स होते हैं इनके स्नेक स्केल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टॉप ऑफ हेड और स्मॉल होते हैं बट जो नॉन वेनमस होते हैं उनके स्ने जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे लार्ज होते हैं दे आर नाइन इन नंबर ओके जो स्केल्स है स्मॉल है बट स्पिनल स्केल्स लार्ज होंगे और हेक्सोगनल होंगे और जो वेंट्रल सर्फेस है वो कवर्ड है बाय द लार्ज ट्रांसफर प्लेट्स नो स्मॉल स्केल्स आर विजिबल फ्रॉम बिलो और जो टीथ है नॉट यूनिफॉर्म होंगे मैक्सिलरी टीथ आर लार्ज कॉल्ड फैंक्स फैंक्स आर ग्रूफ और विद कैनाल टू पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होंगे वेनमस में और नॉन वेनमस में क्या होगा डॉसल स्केल लार्ज होंगे वेंट्रल सर्फेस कवर होगा विद स्मॉल स्केल्स

प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिप्पी ट्यूटोरियल ऑल्सो अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए इंस्टेंट देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन आई एल श्योर आई एल श्योरली बी मेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वीडियो थैंक यू गाइस हैव अ नाइस डे